Hello everyone, so let's talk about the next question on height and distance and actual cat variety. T1, T2 are two towers and Raju was on top of tower T1. He realized that there are two points on the ground such that the angle of elevation of T1 stops jahan wo baitha hua hai. From these points are alpha. ठीक है, दो points हैं. Let's say ये point पे Raju baitha hua hai और there are two points on ground. एक point यहाँ मान लिया अपन ने और एक पॉइंट अपन ने यहाँ मान लिया. दीज टू पॉइंट जहाँ से एंगल अल्फा बनता है. तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, ये मैंने क्यों लिया, बिकॉज आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये पॉइंट जो है वो 3D फिगर बनने वाला है. डिस्टेंस फ्रॉम T2 बॉटम एंड टॉप ऑफ T1 एज वेल एज ईच ऑफ दिस पॉइंट वॉज 30. मतलब ये पॉइंट्स का डिस्टेंस T2 के बॉटम से और T1 का जो टॉप है वहां से डिस्टेंस 30 है. इसका मतलब है कि एक हमें और टावर दिया हुआ है, एक टावर और दिया हुआ है इधर कहीं पे, ठीक है, ऐसा कहीं दिया हुआ टावर. और बोला हुआ ये जो पॉइंट्स हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. कौन कौन से पॉइंट? T2 का बॉटम, दो पॉइंट जहां से एंगल अल्फा बनता है वो, तो ए और बी मान लिया, ये हमको दिए हुए पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, 3D फिगर है. फिर ऐसा बोला हुआ है T1 का टॉप और T2 का बॉटम, यानी ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 30, ये 30 दिया है, और T2 के बॉटम से इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 30 30. राइट, इज द क्वेश्चन गिवन टू यू. फिर से पढ़ लेते हैं. T1 T2 आर टू टावर्स. राजू जो है, राजू यहां पे बैठा हुआ है, दिस आर ऑन टॉप ऑफ टावर T1. ही रियलाइज दैट टू पॉइंट्स ऑन ग्राउंड सच दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T1 स्टॉप फ्रॉम ईच ऑफ दोस पॉइंट ऑफ अल्फा. इन दोनों पॉइंट से अगर आप एंगल बनाते तो अल्फा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन. डिस्टेंस फ्रॉम T2's बॉटम, T2 का बॉटम ये रहा दिस वन, एंड टॉप ऑफ T1 इज 30 फिट. और ये दो पॉइंट का डिस्टेंस, ये भी 30 फिट दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है. 30 मीटर हैज टू बी मीटर, हर जगह पे मीटर लिखा हुआ है, आई एम मेकिंग मीटर मीटर. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टॉप ऑफ T1 एंड ईच ऑफ दीज पॉइंट कैन बी. ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया. एंगल अल्फा का तो जरूरत ही नहीं है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, बट एरिया आपसे पूछा हुआ है ट्राइंगल T1 का टॉप और ये दोनों पॉइंट, मतलब आपसे ये वाला एरिया पूछा हुआ है, दिस ट्रायंगल का एरिया. ये तो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है. क्लियर ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, द बेस इज 60, द AB जो AB का लेंथ है, AB की जो लेंथ है वो आपको मालूम है वो 60 मीटर आ रही है, और जो ये डिस्टेंस है T1 का टॉप और बॉटम ऑफ T2, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हाइट का काम करेगी, ये हाइट का काम करेगी, तो हाइट दिख रही है मुझे यहाँ पे 30. सो एरिया इज गिवन बाय 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस गिव यू 900 मीटर स्क्वायर. 900 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस फिगर. तो क्वेश्चन कैट में आया था लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी यूज नहीं आएगी, सिर्फ डायग्राम बनाना है और आंसर निकालना है. राइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. अ मैन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर हाई लाइट हाउस ऑब्जर्व अ मोटर बोट अप्रोचिंग द फुट ऑफ लाइट हाउस. ठीक है, 240 मीटर का लाइट हाउस है और एक मोटर बोट अप्रोच कर रही है उसके फुट ऑफ फुट की तरफ in a straight line from a with a uniform velocity. He recorded the angle of depression to be 30 at 10:06 a.m. 10:06 a.m. 10:06 पे angle 30 degree था. After 60 minutes from that instant he observed the angle of depression to be 60. Angle of depression 60 हो गया, object close आ गया. Find the time at which the boat reaches the foot of the lighthouse. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये lighthouse मान लेते हैं. फिलहाल angle of depression बोला हुआ है कि 30 डिग्री का एंगल था. ठीक है, दिस एंगल इज 30 और ये दिया हुआ है 10:06 पे. 16 मिनट के बाद जब देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जो है वो 60 बन गया. तो मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 16 मिनट के बाद, और अगर 60 मिनट की बात करें इसका मतलब है ये टाइम आया होगा 10:16, अगर हम ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 22 मिनट्स, है ना, 10:22 की बात कर रहा है ये. 16 ऐड कर दिया, 16 प्लस 6 22, है ना, ये एंगल बन गया आपका 60 डिग्री. दिस एंगल इज 60 डिग्री. टावर की हाइट डी है, लाइट हाउस की हाइट डी है 240 मीटर. कितनी देर में कितने बजे वो फुट ऑफ द टावर पे आ जाएगा, ये सवाल पूछा हुआ है. सो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, लेट्स गो बाय द बेसिक अप्रोच. बेसिक ज्योमेट्री लगाते हैं विदाउट ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज एंगल्स आर स्टैंडर्ड. 30 के सामने वाला पता है तो 60 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल 60 बनेगा. अगर ट्राइंगल ABC की बात करें सो एंगल ए 60 होगा, 60 के सामने वाला रूट 3 टाइम्स होगा, दैट मीन्स अगर BC की कंप्लीट बात करें
दिस विल बी 240 रूट 3 मीटर, राइट। फिर हमें निकालना है कि वो वापस यहां तक का आ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 16 मिनट में, ये फाइंड कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा वी कैन कैलकुलेट। तो फिलहाल तो BC मालूम पड़ा है, अब एक काम करते हैं ये BD निकाल लेते हैं, दिस पॉइंट इज डी। सो 60 के सामने वाला पता है तो 30 डिग्री होगा ये वाला एंगल, 30 के सामने वाला फाइंड करना है, दिस विल बी डिवाइड बाय रूट 3। तो आई एम वेरी श्योर कि जो BD की लेंथ आएगी दैट BD का लेंथ विल बी 240 डिवाइड बाय रूट 3, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो बेसिक लगाया अपन ने ट्राइंगल का रूल कि कौन सा एंगल पता है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 वाले फंडे से अपन ने लेंथ निकाल ली है। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है मोटर बोट ने वो DC ट्रैवल किया है, तो DC कैसे निकालेंगे, BC में से हम BD माइनस कर देंगे। सो BC आपका है 240 रूट 3, इसमें से अगर मैं 240 बाय रूट 3 माइनस कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सो दिस गिव यू 720 माइनस 240 अपॉन रूट 3 इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मोटर बोट, सो दिस विल बी 480 अपॉन रूट 3। ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है मोटर बोट ने 16 मिनट में, तो 16 मिनट में अगर 480 बाय रूट 3 ट्रैवल किया है, ठीक है, तो अब करना कितना ट्रैवल है BD, सो BD कितना है 240 बाय रूट 3। सो 240 बाय रूट 3 करने के लिए कितना देर लगेगा, दिख रहा है डिस्टेंस हाफ हो गया है तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, यानी अगले 8 मिनट और लगने वाले हैं। तो 10:22 के बाद 8 मिनट और जोड़ लीजिए, मतलब 10:30 पे जो मोटर बोट होगी वो लाइट हाउस के बेस पे होगी, तो आंसर ही ऑप्शन नंबर 10:30 AM, राइट। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 35 मीटर व्हिच इज ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ अ रिवर एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 5 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर इज साइन इनवर्स 40/61। सो एक रिवर है, एक ट्री है और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, ट्री बड़ा है या नहीं बड़ा है आई डोंट नो, तो रैंडमली मैंने बस ऐसी कुछ लेंथ मान ली, अच्छा ट्री दिया हुआ है सॉरी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इमेज ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 35 मीटर, तो पेड़ काफ़ी ऊंचा है, सो ट्री का लेंथ दिया है 35 मीटर और उसकी इमेज को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा इस पॉइंट से, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया हुआ है हाउ मच, दिस एंगल इज समथिंग और उसका साइन इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। देन द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री ऑब्जर्व फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, ये आपको इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है, वो भी उसका कोसाइन पूछा गया है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जो दी है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। 35 मीटर दिया हुआ था, सो दैट मीन्स वेरी श्योर कि ये 5 मीटर होगा, तो यहाँ बचा हुआ 30 मीटर होगा। यहाँ से अगर देखेंगे आप, ये बॉटम था तो ये भी आपका 35 मीटर पूरी इमेज बनेगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इस ट्रायंगल की अगर बात करें, ये ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे हमको साइन इनवर्स दिया हुआ है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा लेट से, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है, दिस कंप्लीट, ये कितनी हो जाएगी 35, तो ट्री की इमेज बनेगी और 5 मीटर ये, यानी कि 40। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू पता नहीं तो लेट से मान लेते हैं h, ठीक है, और साइन थीटा, ये साइन थीटा है, पर हमको तो मालूम है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है, साइन इनवर्स ऑफ थीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40/41। सो व्हेन यू कंपेयर दीज टू, अगर कंपेयर करेंगे आपको तो h कितना मिल जाएगा, h मिल जाएगा 41, राइट। दिस इज 41, इफ दिस इज 41, दिस इज 40, राइट, ये पूरा 40 है, ये पूरा 41 है, तो वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं, ये लेंथ निकाली जा सकती है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4100 का होल स्क्वायर विच गिव यू 1681, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, यानी दिस पार्ट इज 9, ये 9 मीटर है। अब इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए, कोसाइन फाइंड करना है, कोसाइन का फंडा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो लेट्स कैलकुलेट दी बेस, बेस तो अपने को मालूम है, दिस इज बेस, दिस इज 9 मीटर, ये आपको 30 पता है, सो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस, 30 का स्क्वायर 900 और 9 का स्क्वायर 981, ऐसा बोल सकते हैं। सो कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी
base upon hypotenuse. So base is 9 and hypotenuse is under root mein 981. This is the cosine of the angle between them. So when you simplify it, aapko 9 yahan mil raha hai. So we can write 9 into 109. So 9 bahar aa jayega 3 banke. To aapko mil jayega aisa kuch, which I can write 3 upon under root mein 109 is the cosine of the angle of elevation of the top of the tree. The answer is 3 upon 109, option number C. Right? So let's move on to the last question, and it says a hunter is at a distance of 5√3 meter from a foot of a tree. Ek tree hai. Ek tree se 5√3 meter dur ek hunter khada hua hai. Phir bola hua hai. Aur tree ka idea hai 5 meter. Okay. He want to shoot a bird at the top of the tree. Ek bird ko shoot karta hai, wo yahan se shoot karna chahta hai. If he fire at an angle of angle, if he fire at an angle which is 15 degree more than the actual required angle to hit the bird, theek hai, 15 degree upar marta hai. Yani angle ye lena chahiye tha, ye angle lena chahiye tha aur yahan se 15 degree upar le liya. 15 degree upar le liya, iska matlab hai ye line of sight ho gayi uski. तो कितने डिस्टेंस से मिस कर जाएगा ये पूछा हुआ है. बाय व्हाट डिस्टेंस ही मिस द टारगेट, टारगेट कितने डिस्टेंस से मिस करेगा ये सवाल पूछा गया. ये एंगल अगर थीटा है, सो दिस एंगल इज 15 डिग्री मोर, सो टोटल एंगल हो जाएगा थीटा प्लस 15 डिग्री, ऐसा कुछ बोला हुआ है. कितना डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस से मिस करेगा, दैट इज द क्वेश्चन. बहुत आसान क्वेश्चन है. पहली बात तो ये एंगल 90 है. ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ रहा है कि थीटा के सामने वाला 5 है और ये रूट 3 टाइम्स है, तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट द एंगल. और अगर ये डायरेक्टली नहीं मालूम पड़ता तो ऐसा बोल सकते हो कि 10 थीटा विल बी 5 अपॉन 5√3. सो आई गॉट 10 थीटा इज 1/√3. सो आई गॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 कब होता है, 1/√3 होता है 30 डिग्री पे. तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई. डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ रहा है कि रूट 3 टाइम्स कब होता है. अगर थीटा के सामने वाले का रूट 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू 30 रहा होगा. तो कंफर्म हो गया कि जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जो बड़ा ट्रायंगल मतलब अगर एबीसी ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, दैट मींस एक्स प्लस 5 की वैल्यू 5√3 के बराबर होगी. सो एक्स प्लस 5 की वैल्यू 5√3 के बराबर है, बिकॉज 45 45 90 ट्रायंगल है. तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 5√3 - 5. सो बाय व्हाट वर्टिकल डिस्टेंस इज मिस, ही मिस बाय 5 × √3 - 1 मीटर. इतने डिस्टेंस से वो, इतने वर्टिकल डिस्टेंस से टारगेट को मिस कर जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट हाइट एंड डिस्टेंस. जो भी था यही है. क्वेश्चन ढेर सारे पॉसिबल हैं, प्रैक्टिस करते रहिए. क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिखे हुए हैं. पहले प्रैक्टिस करा है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज एक बार फिर से ही आप ट्राई कर सकते हैं, और नहीं आता है तो बाद में वीडियो फिर से देख सकते हैं. राइट, थैंक यू.